क्या मिलेगा तुम्हें शादी करके? कुछ नहीं मिलेगा, पर ना मुझे इस रिश्ते से कोई उम्मीद। मुझे जितनी खुशियां मिलनी थी आपसे मिल गई। अब तो सिर्फ इसलिए जीना क्योंकि मेरी सांसें चल रही। प्लीज मत, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, कुछ और मत कहिए। मानव मैं बहुत मुश्किल से फैसला कर पाई, कुछ और हुआ तो मैं टूट जाऊंगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे आज, लेकिन निशानी हमेशा रहेगी। मानव के साथ अर्चना ना सही, लेकिन अर्चना की यादें हमेशा रहेंगी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे कुछ पेपर्स हैं। तुम्हारे नाम से घर पर आया था, शायद तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। कोलकाता जा रही हो ना नौकरी के लिए? एक बार फिर मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला, तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मेरे बच्चे का जाना मेरी जिंदगी से मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारा जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। तुम ऐसा कैसे कर सकती? ऐसा करने से पहले तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा है? बड़ा घोटाला हो गया है। खाता का जालो। अरे जयवंत का शादी वाला ड्रेस अपने घर में है। हाँ। वो उसके घर में पहुँचाया ही नहीं, अब किसके हाथ भेजो? अरे तो भाई अभी काफी टाइम है, मुहूर्त में आप मुझे दीजिए, मैं पहुँचा देता हूँ। अरे हाँ, नमस्कार काकी। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। हाँ काकी, ये लीजिए। ये क्या है काकी? ये पोशाक है और कुछ सामान है जयवंत के लिए, लड़की वालों की तरफ से। वैसे जयवंत है कहाँ पर? वो बेटा अपने कमरे में, उसका कोई दोस्त आया है, मैं भी उसे भेजती हूँ। नहीं, आप रुकिए, मैं मिल लेता हूँ रूम में जाकर के। ठीक है, ये रख देना यहाँ पर। ढूंढ दे बेटा। थैंक्स जयवंत, तूने मुझे बेल करवा के छुड़वा दिया, वरना पता नहीं और कितने दिन वहां जेल में पड़ा रहता मैं। तू भी कमाल करता है यार, मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया और खुद जेल चला गया। अब दोस्त मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। अच्छा, बाबू भाई का फोन आया था? हाँ यार, साले का फोन आया था, बहुत पका रहा था, लेकिन उसे 10-15 दिन की मोहलत दे दी। उसने मोहलत दे दी? देता कैसे नहीं, उसे भी पता है कि 2 दिनों में मेरी शादी आने वाली है, और फिर शादी के बाद DS ऑटोमोबाइल्स की सारी चाबी मेरे हाथ में होगी। और अर्चना, उसके बारे में क्या तूने सोचा? उसके बारे में सोचना क्या है, शादी करनी है और फिर 1 साल बाद धक्के देकर घर से बाहर निकालना है। ये कहकर कि उसका आज भी मानव के साथ रिश्ता है, बदचलन औरत है। जयवंत से उलझकर अभी कुछ नहीं होगा, मुझे सबसे पहले अर्चना को बचाना होगा, ये शादी रोकनी होगी। अर्चना मेरे साथ आओ। अर्चना तुम ये शादी नहीं कर सकती, अपने कानों से सुन करके आया हूं मैं। अर्चना तुम पर बच्चन होने का आरोप लगा करके वो तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला, फेंकने वाला, सिर्फ तुम नहीं तुम्हारे साथ मानो की भी जिंदगी वो बर्बाद करने वाला। तुमसे जबरदस्ती साइन लेने के बाद वो उसे जिंदगी भर जेल में चढ़ाएगा। अर्चना मानो पर, अपने आप पर, अपने परिवार वालों पर अन्याय मत करो। तुम खुश रहोगे ना तो ये सारे खुश रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में आंसू रहेगा तो ना मानव खुश होगा, नहीं तुम्हारे आई बाबा खुश होंगे। लेकिन सतीश, आज मानव की शादी है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचो। अर्चना अपने अंदर के जज्बातों को समझो, उनकी कदर करो, जिंदगी में प्यार एक ही बार मिलता है।
जाओ मानो के पास, मैं बाहर गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। देखो मेहमान आने का टाइम हो गया है, उनकी आवभगत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबका ख्याल रखना। अर्चो एक मिनट, हेलो शरद राव।